हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। गूगल ने कुछ महीने पहले एक अपडेट करा था गूगल फोटोज के लिए, जिसकी एक टाइमलाइन दी थी कि इस ड्यूरेशन तक अगर आपको अपना डेटा स्टोर करना है, इमेजेस या वीडियो, तो आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर अपलोड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद गूगल की फोटोज के लिए पे करना होगा। और कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ एग्जेम्प्ट भी हैं। क्या चीजें हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जिसको अपडेट करा गया था ब्लॉग पे गूगल के। तो मैं वहीं से आपको सारे पॉइंट्स को बताता हूँ एक एक करके कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो आप अपने सर्च इंजन में जो भी इस्तेमाल करते हो उसमें लिखेंगे गूगल फोटोज अपडेट 2021। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला आपको URL मिल जाएगा blog.google। ये गूगल ने अपने ही ब्लॉग पे इसको अपडेट करा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ देख सकते हैं blog.google का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये URL भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिससे आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी पॉइंट्स बताए गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं आपको डिटेल में हिंदी में बता दे रहा हूँ। तो जैसे पहला बताया गया है कि 5 साल पहले फोटोज लॉन्च हुआ था, ये आप देख सकते हैं, और इसको 4 ट्रिलियन लोग यूज़ करते हैं अपनी फ़ोटोज़ के स्टोरेज के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि एवरी वीक 28 बिलियन फोटो अपलोड करी जाती हैं। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखिए गूगल ने यहाँ से बताया है, गूगल फोटोज़ फॉर द फ्यूचर वी आर चेंजिंग अवर अनलिमिटेड हाई क्वालिटी स्टोरेज पॉलिसी। तो ये जो गूगल फोटोज़ है ये हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 5 साल से यूज़ हो रहा है। स्टार्टिंग June 1, 2021, एनी न्यू फोटोज एंड वीडियोज यू अपलोड विल बी काउंट टूवर्ड्स द फ्री 15 GB ऑफ स्टोरेज दैट कम्स विद एवरी गूगल अकाउंट और एडिशनल स्टोरेज यू परचेज एज अ गूगल वन मेंबर। तो इन्होंने ये जो पॉइंट है ये बताया है कि 1 जून से ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप फ्री में सिर्फ 15 GB स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उसमें वीडियो रखें, चाहे आप उसमें इमेजेस रखें हाई क्वालिटी की। लेकिन उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं, योर गूगल अकाउंट स्टोरेज इज शेयर्ड अक्रॉस ड्राइव, जीमेल एंड फोटोज। तो यहाँ पे जो आपकी 15 GB आपको फ्री मिलेगी, अभी तक क्या था गूगल फोटोज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्पेस देता था अनलिमिटेड विदाउट एनी मनी विदाउट एनी पेइंग, लेकिन अब इन्होंने लिमिट कर दी है कि अब आपको ये 1 जून तक आप जो भी फोटोज और वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन 1 जून से जब ये सर्विस लागू हो जाएगी 15 GB की, फिर आप जब भी कुछ अपडेट करेंगे तो उसको 15 GB स्पेस में काउंट करा जाएगा। अगर आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाएगी तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, तभी उसके बाद आप नया डेटा ऐड कर पाएंगे। अब यहाँ पे बताया है जो आपकी 15 GB स्टोरेज है वो काउंट करती है आपकी ड्राइव में भी, आपकी जीमेल में भी और फोटोज़ में भी। ये सारे ऑप्शन गूगल ड्राइव, गूगल जीमेल और गूगल फोटोज़ के हैं। उसके बाद यहाँ पे गूगल ने अपनी पॉलिसी बताई है कि जो गूगल है वो आपकी जो फ़ोटोज़ होती है वो उसको पता है कि आप पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं, तो इस वजह से इस फोटोज़ का वो कभी भी गूगल के ऊपर इमेजेस में या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल नहीं करता है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखा है एग्जिस्टिंग हाई क्वालिटी ऑफ फोटोज़ एंड वीडियोस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस चेंज। अब यहाँ पे क्या है एग्जेम्प्ट, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने कहा है एनी फोटोज़ और वीडियोज़ यू अपलोडेड विद द हाई एंड क्वालिटी बिफोर 1 जून 2021 विल नॉट काउंट टूवर्ड द 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज। 1 जून 2021 से पहले आप जो भी फोटोज़ और वीडियो को अपलोड करेंगे वो आपकी 15 GB मेमोरी में काउंट नहीं करी जाएगी। अगर उसके बाद अपलोड करेंगे तो आपकी जो 15 GB मेमोरी है उसमें काउंट होगी, और अगर मेमोरी फुल होगी तो आपको बैकअप कर लेना है या डिलीट करके तभी आप नई फोटोज़ और वीडियो को अपलोड कर पाएंगे गूगल फोटोज़ में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है दिस मीन्स द फोटोज़ एंड वीडियो बैकअप अप बिफोर June 1, 2021 स्टिल बी कंसिडर्ड फ्री एंड एग्जेम्प्ट स्टोरेज लिमिट। तो यहाँ बताया कि 1 जून से पहले जो भी है वो फ्री लिमिट में आएगा, अगर आपको कुछ सेव करना है तो अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेमोरी का यूसेज आपका काउंट होगा वो 1 जून से ही शुरू होगा, 1 जून 2021 से। अब यहाँ पे बताया कि अगर आपको कोई वेरीफाई करना है बैकअप क्वालिटी एनी टाइम, तो आप यहाँ बैकअप एंड सिंक का यूज़ कर सकते हैं। जब आप फोटोज़ को ओपन करते हैं तो सेटिंग का ऑप्शन वहाँ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक मोबाइल के थ्रू इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, मैं आपको बता दूँ ये बैकअप और सिंक का ऑप्शन कहाँ मिलता है। जब आप अपनी फ़ोटोज़ में आते हैं तो ये देखिए यहाँ सबसे राइट टॉप कॉर्नर में आप जिस ईमेल से यहाँ लॉगिन रहते हैं उस जीमेल का देखिए यहाँ आइकन बना होता है, आपको उस पर टैप करना होगा, आपको बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें बताई हैं, इफ़ यू बैकअप योर फोटोज़ एंड वीडियोज़ इन ओरिजिनल क्वालिटी दिस चेंजेस डू नॉट अफेक्ट यू एज ऑलवेज योर ओरिजिनल क्वालिटी
फोटोज एंड वीडियोज विल काउंट टूवर्ड्स फ्रॉम 15 जून। तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट बताया है ये पूरा कि अगर आप बैकअप करते हैं तो वो 15 GB मेमोरी में आपके काउंट नहीं करा जाएगा, आप जो अपलोड करेंगे सिर्फ उसको ही 15 GB में कंसिडर करा जाएगा। बहुत से सॉफ्टवेयर्स और बहुत से एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसको भी वो ऐड करता है, तो इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि आप बैकअप करेंगे तो उसको 15 GB में काउंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ बताया है कि जो पिक्सल, जो गूगल पिक्सल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बताया है अपलोड फ्रॉम दैट डिवाइस वॉन्ट इम्पैक्ट द फोटोज एंड वीडियोज अपलोडेड इन द हाई एंड क्वालिटी फ्रॉम दैट डिवाइस विल कंटिन्यू टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस चेंज एवर आफ्टर June 1, 2001। तो यहाँ पे इनका मतलब है गूगल पिक्सल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद ये जो कंडीशन लागू हो रही है 1 जून 2021 से गूगल फोटोज के ऊपर कि आप उसे 15 GB मेमोरी मिलेगी अपनी डेटा को सेव करने के लिए, तो ये गूगल पिक्सल वालों के लिए अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि गूगल पिक्सल गूगल का ही है और गूगल अपनी ही प्रोडक्ट के लिए इस तरह की लिमिटेशन नहीं लगा रही है। तो यहाँ पे बताया है देयर नो एक्शन यू नीड टू टेक टुडे। तो यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो था वो पहले आया था। तो यहाँ पे बताया है कि आप 80% ऑफ जो अपना स्टोरेज है उसको यूज़ कर सकते हैं और 15 GB जब होने वाला होगा तो ये आपको नोटिफाई कर देंगे या फिर ईमेल के थ्रू या फिर ऐप में ही। तो यहाँ पे दिखाया है अंडरस्टैंड योर मैनेज कोटा में कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरह से दिखा दिया जाएगा, तो आपको बैकअप कर लेना है अगर आपका कोई डेटा है। एंड इन जून 2021 यू विल एबल टू एक्सेस अ न्यू फ्री टूल, मतलब एक फ्री टूल यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा 1 जून से, जिसमें बताया है फोटोज ऐप इजिली मैनेज कर सकते हैं जिसमें से आप डिलीट कर सकते हैं डार्की और जो भी आपकी ख़राब इमेजेस हैं वो आपको सब शो करी जाएंगी और आप उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी उसको एज अ एनिमेशन के तौर पे दिखाया गया है कि किस तरह से आप उसको सेलेक्ट करेंगे और किस तरह से डिलीट करेंगे। देखिए ऑप्शन आ जाएगा, फिर इस तरह से सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये सारा काम गूगल फोटोज़ में ही हो रहा है। फिर देखिए आप उसको जो जो इमेज आपकी ब्लर है, बेकार है या किसी काम की नहीं, वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपनी मेमोरी को रिकवर कर सकते हैं और मेमोरी बचा सकते हैं। तो यहाँ लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताया है अगर आपको 15 GB से ज़्यादा की स्पेस चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में क्या पे करना है अभी ये डिस्क्लोज नहीं करा है। ये जो प्लान आपको दिख रहा है 1.99 पर मंथ इन द US फॉर 100 GB, तो 100 GB के लिए यहाँ पे ये पे करना है जो कि 1.99 है, जिसे $2 कह सकते हैं, लेकिन इंडिया में क्या इसका चार्जेस होगा अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करा गया है। तो ये पूरी अपडेट थी गूगल फोटोज़ के ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट गूगल की ओर से बताई गई है। तो अगर आप गूगल फोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपने डेटा को इमेजेस को अपलोड करते हैं, तो जल्द से जल्द उसका बैकअप कर लीजिए वरना फिर 1 जून के बाद हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको बैकअप कर लीजिए। वैसे तो 3 साल के लिए यहाँ बताया है, देखिए ये जो पॉइंट है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, एबल टू स्टोर रफली 3 more years वर्थ ऑफ मेमोरी विद योर फ्री 15 GB स्टोरेज। तो ये 3 साल के लिए अभी जो 15 GB स्टोरेज मिल रहा है, हो सकता है 3 साल के बाद या हो सकता है उससे पहले ही अपडेट कर दिया जाए, फिर आपको गूगल फोटोज़ का इस्तेमाल करने के लिए पे करना होगा, तभी आप कोई फ़ोटो या वीडियो को स्टोर कर पाएंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी गूगल फोटोज़ के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं चाहे किसी कंपनी का भी हो, तो उसमें गूगल का ही OS होता है, गूगल की ही गैलरी होती है और गूगल के ही फ़ोटोज़ होती हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो अभी जाके ही अपने फ़ोटोज़ को जो बैकअप करना है, इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ वीडियोज़ को, उसको बैकअप कर ले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।